पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम की फहरिस्त में सबसे ऊपर नाम जलील अब्बास जिलानी का। ये नाम किसने दिया? आखिर जलील अब्बास जिलानी कौन है और उनका अमरीका और भारत से क्या ताल्लुक है? पाकिस्तान के लिए इनकी माजी में क्या खिदमात रही हैं? जलील अब्बास जिलानी को सबसे पहले मुबारकबाद किसने दी? पाकिस्तानियों के लिए बड़ा सरप्राइज ये था कि साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी वजारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आए। जलील अब्बास जिलानी के बारे में कयास आराइयां की जा रही हैं कि निगरान वजीर आजम के लिए इनके नाम की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है, जो आखिरकार सच साबित हुई। सबसे पहली मुबारकबाद भी साबिक पाकिस्तानी सफारतकार अब्दुल बासित ने दी और उन्होंने अपने ट्वीट में दावा किया कि सफीर रिटायर्ड जलील अब्बास जिलानी को पाकिस्तान का निगरान वजीर आजम नामजद किया गया है। निगरान वजीर आजम बनने के बाद वो नवंबर 2023 के इंतखाबात तक अपनी खिदमात बतौर निगरान वजीर आजम अंजाम देंगे और मुल्क में शफाफ इंतखाबात करवाने की जिम्मेदारी निभाएंगे। निगरान वजीर आजम के लिए जलील अब्बास जिलानी का नाम अहम सियासी पार्टी की जानिब से दिया गया और इसको पीडीएम की तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बैरून मुल्क साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान जलील अब्बास जिलानी का नाम जेर गौर आया था। ये वही हैं जिनके बारे में खबरें सुनते रहे हैं कि एक ब्यूरोक्रेट भी मुमकिन तौर पर वजीर आजम हो सकते हैं। हैरान कुन अमर ये है कि नवाज शरीफ की जानिब से जलील अब्बास जिलानी के नाम पर कोई एतराज नहीं आया और खबर है कि ये नाम साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने तजवीज किया था, जो रिश्ते में इनके कजन हैं। अगर इनके माजी की पाकिस्तान के लिए खिदमात पर नजर डालें तो जलील अब्बास जिलानी नई दिल्ली में निगरान हाई कमिश्नर समेत कई अहम तरीन ओहदों पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। जलील अब्बास जिलानी कानून में बीए और दिफाई उमूर में मास्टर्स की डिग्री रखने वाले जलील अब्बास जिलानी अमरीका और भारत में सफीर की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। वो पेशावर सफारतकार हैं। बतौर सेक्रेटरी खारजा तायुनाती से पहले बेल्जियम, लक्जमबर्ग और यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान के सफीर रहे और सफारती जिम्मेदारियों के दौरान ब्रसल्स में नेटो हेडक्वार्टर के साथ भी मुसलसल राब्ते में रहे। वो जद्दा और लंदन में भी तायुनात रहे, जबकि कैनबरा में हाई कमिश्नर के ओहदे पर भी फाइज रह चुके हैं। जलील अब्बास जिलानी ने 1979 में पाकिस्तान के महकमा खारजा में शमूलियत इख्तियार की और उन्हें मार्च 2012 में मुल्क का सेक्रेटरी खारजा मुकर्रर किया गया। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा है कि मुल्क के सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी को अमरीका में पाकिस्तानी सफीर के तौर पर तैनात करने का फैसला किया गया। जलील अब्बास जिलानी ने अपनी पेशावराना जिंदगी के दौरान जनूबी एशियाई उमूर में महारत हासिल की और 1992 से 1995 तक महकमा खारजा में भारत के लिए डायरेक्टर और 1999 से 2003 तक नई दिल्ली में पाकिस्तान के डिप्टी और निगरान हाई कमिश्नर रहे। वो 2003 से 2007 तक पाकिस्तानी वजारत खारजा में जनूबी एशिया और सार्क ममालिक के लिए डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर काम करते रहे और 2005 में उन्होंने दफ्तर खारजा के तर्जुमान की हैसियत से भी काम किया। दफ्तर खारजा के बयान के मुताबिक जलील अब्बास जिलानी 1983 से 1985 तक जद्दा, 1985 से 1988 तक लंदन, 1995 से 1999 तक वाशिंगटन में तैनात रहे और 2007 से 2009 में कैनबरा में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के ओहदे पर फाइज रहे। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून में ग्रेजुएट हैं और डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में एमएस की डिग्री रखते हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने पाक फिजाई के थिंक टैंक सीनियर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज में भी काम कर चुके हैं।